Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. और अगर इन लोगों के साथ खड़ा होके मैं इनके बराबर में, क्योंकि 20 लोग आए हैं, 20 लोग में से अगर टॉप 4 में पहुंच रहा हूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यही जीत है, ट्रॉफी ऊपर वाले ने जिसको देनी थी उसको दे दी, पर मेरे लिए ट्रॉफी मेरा चौथा। लेकिन आपने बोला था कि बिग बॉस से कि आप ही जीतेंगे और ट्रॉफी को पास भी किसी को आने नहीं देंगे, उसे फूंकने नहीं देंगे, तो वो एक्चुअली ओवर कॉन्फिडेंस, एक्चुअली वो मेरी स्ट्रेटजी थी। आज तक मैंने किसी को नहीं कहा, मैं एक्चुअली ऐसा इंसान हूँ जो मैं अपने आप को पंप करता हूँ, मैं शीशे के सामने खड़ा होकर भी 100 बातें करता हूँ अपने आप से, गलती होती है तो खुद को पूरी तमाचा मार देता हूँ। एंड श्री जब भी ऐसा आता, क्योंकि शुरू से श्री का अगर किसी ने स्टैंड लिया श्री के, क्योंकि मेरे को सब लगता था कि इधर श्री भाई श्री भाई श्री भाई, मेरे से वो चीज़ नहीं होती। जब मेरे साथ अच्छे से बिहेव करता था मैं अच्छे से बिहेव करता था, जब मेरे साथ रूड होता था शायद मैं उससे ज़्यादा रूड हो जाता था। तो जब भी श्री मेरे से किसी तरीके से बात करता था तो मैं उसको ये बोल देता था, ट्रॉफी और सूंघने भगवान ने ऊपर वाले के घर में दे रहे हैं, देर नहीं है, शायद श्री को सूंघने नहीं दी। आपकी वकालत कितनी काम आई? देखिए मैडम, वकालत ये मेरा कर्म धर्म जात पात सब वकालत है, एंड वकालत बहुत काम आई क्योंकि मास्टरमाइंड का किताब शायद वकालत की वजह से मिला। कहीं ना कहीं मेरी दलीलें इतनी अच्छी थी, कहीं ना कहीं मेरा दिमाग इतने सही तरीके से चला कि मैं टॉप 5 में पहुंचा और टॉप 4 में पहुंचा। तो वकालत अगर आपका प्रोफेशन है बोलचाल का, दिमाग लगाने का, तो ऑब्वियसली जैसे श्रीशांत क्रिकेट खेलता था, प्रैक्टिस करता था, वो फिटनेस कर लेता था, मेरा काम सिर्फ दिमाग चलाना था, मैं सारा दिन वकालत में दिमाग चलाऊंगा। तो मैं लास्ट टाइम आपको मिला वो, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता मास्टरमाइंड ने आके आपसे छीनने की कोशिश की? मैडम जलन तो सबको होती है। लेकिन विकास गुप्ता ने मास्टरमाइंड की किताब तो श्री को देके चले गए। मैडम दे दिया, उससे क्या हो गया? अब एक सिंपल सी बात है, स्कूल का प्रिंसिपल है, उसने किसी को सर्टिफिकेट दिया और कोई छोटा मोटा एम्प्लॉय आके कह दे कि भाई तेरे को ये सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता, तो क्या वो नहीं मिलेगा? जब प्रिंसिपल सलमान सर दिवांग जी, उन्होंने मेरे को सर्टिफिकेट दे दिया, किसी की क्या सुननी। 3 महीने की जर्नी में, 3 महीने की जर्नी, बिग बॉस बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया यार। 3 महीने की जर्नी में बहुत सारा प्यार, एक्चुअली उम्मीद नहीं थी कि इतना लोग पसंद करेंगे बाहर। हैप्पी ग्लो की आते और सबसे बढ़कर आप सब लोगों का प्यार। अच्छा, आपके प्रॉमिस कर रहे थे आप अपनी फैमिली को कि आप जीत कर आओगे, तो उनसे अभी इंटरेक्शन हुआ नहीं, पूरा कर पाया? जीत है, एक्चुअली जीत है मैडम। मैं बाहर निकल रहा था, सबसे बड़ी जीत की लोग एक तरफ सब लोग थे, सबसे बड़ा फक्र तब महसूस हुआ कि लोग आके सबसे ज्यादा प्यार मेरे को दिखा रहे, चाहे वो सेल्फी खींचने से लेकर हो, चाहे वो गले लगने से लेकर, सबसे बड़ी जीत वही है। क्योंकि हम खुदा तो है नहीं कि फ्यूचर इतने अच्छे से बता सके, पर हाँ अपनी तरफ से मोटिवेट करने के लिए, कोशिश करने के लिए, अगर मैं गिव अप करता, लेट गो करता चीजों को, छोड़ देता चीजों को, एंड तक 105वें दिन तक आया, ऊपर वाले ने जीत देनी थी जिस तरीके की जीत देनी थी। रॉबिन के शो में आपको देखा गया कि मतलब आप अपने आप को सबसे ऊपर रखते हैं और दीपक वगैरह को भी आपने हल्के में लिया, लेकिन दीपक कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा बड़े विनर आज मिले, उनको प्राइज मनी तो मिली मिली, टॉप 3 में भी पहुंच गया। तो बेस्ट थिंग है दीपक, हैप्पी ग्लव। आपने शायद पिछले लास्ट वीक मूवमेंट नहीं सुना कि 14वें वीक में जब मैं बैठा था डाइनिंग टेबल पे, एक बात की थी कि यार जैसा मर्जी हो, चाहे हम जिस मर्जी एंगल से बैठे हो, आज तो 6 में 7 में हैप्पी क्लब के 4 मेंबर, हैप्पी क्लब से अगर वो विनर भी बनता मेरे बाद तो मेरे को उतनी खुशी होती जितनी अपने। लेकिन हैप्पी क्लब बचा नहीं घर के बाहर, अब कुछ बचा है इस दिल में, हैप्पी क्लब 24 घंटे फ्यूचर में आप सुधर चुके हैं मैडम? नहीं, क्योंकि वो इंटरव्यू में उन्होंने कुछ खास आपके बारे में, मैडम अपनी अपनी सोच होती है, मेरी बहन है बहुत अच्छी है, एक सिंपल सी बात है, मैं जिससे प्यार करता हूँ दिल से करता हूँ उसका अपना थॉट है, जिंदगी में कभी भी कहीं भी किसी भी मुकाम पर अगर वो मुझे बुलाएगी शायद मैं सबसे पहले वहीं खड़ा हूँ। फ्यूचर में आप इस टीवी इंडस्ट्री से जुड़े रहेंगे या दोबारा अपने करियर अपने वकालत में? इतना स्मार्ट चेहरा दिया है, कहीं भी दिखाने का मौका मिलेगा दिखा देंगे। और रॉबिन, जब आप घर के अंदर थे तो आपका एक वीडियो वायरल हो गया था, यू नो, जिसपे आप रोडीज के लिए ऑडिशन दे रहे थे, तो हमेशा से आप, क्या क्वेश्चन था? कि आपका रोडीज का वीडियो वायरल हो गया और फिर यू नो लोगों को लगा कि क्या आप फेक आइडेंटिटी के साथ तो अंदर नहीं चले गए? ऐसा कुछ भी हुआ? हाँ, कि लॉयर सिर्फ आप बताने के लिए लॉयर है। क्या मैंने रोडीज के ऑडिशन में नहीं बताया मैं लॉयर हूँ? ऑब्वियसली अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, शायद मैं बोलना नहीं चाहूंगा, यहाँ पे भी कुछ फेक आए थे और वो टाइम से चले गए। एंड जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मैं ये बात बता रहा हूँ, यही तो टाइम है, प्लीज बताइए कौन सा फेक था घर में? टाइम टाइम ऐसा होता है, शायद मैं टाइम सही नहीं समझता बताने का,
पर फिर भी एक बात कहूंगा कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे कि ऑब्वियसली मैंने करी है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा कि मैं इतना बड़ा लॉयर हूँ, बहुत छोटा होके कहूंगा, एक छोटे से आम से शहर से बिलोंग करता हूँ, करनाल सिटी में प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक ठाक लॉयर हूँ, कोई इतना बड़ा अपने आप को लॉयर नहीं कहता। जहाँ पे मेरा दिमाग चलता है मैं वहाँ दिमाग चला देता हूँ, नहीं यकीन आता तो जाके चैम्बर नंबर 548 पता कर लीजिए, मेरा ही है। और रही बात रोडीज की, रोडीज मैं शायद यहीं आने के लिए, क्योंकि मेरी मॉम का सपना होता था बिग बॉस में आना, तो मैंने उनका सपना पूरा किया एक तरीके से। एंड आज से 10 साल पहले 8 साल पहले 9 साल पहले मैंने ये बात की थी कि मैं मॉम एक दिन में जाऊँ। सबसे बड़ी खुशी की बात कि लाखों लोगों में से, इतने लोगों में से छंट के मैं यहाँ पे आया, एंड फक्र महसूस कर रहा हूँ और बड़े गर्व से आपके साथ खड़ा हूँ, चाहे टॉप 4 में हूँ। एंड नॉर्मली कहीं ना कहीं आपको लगता है कि स्वामी के साथ जिस तरह से बात हुई आपकी, वाईफाई सब आने बोला, वो कहीं ना कहीं आपका इमेज खराब कर दिया, जिसकी वजह से आपकी फ्रेंडशिप, इमेज भी इमेज पे क्या क्या खराब करेगा आपका दिल सच्चा। सबसे बड़ी इमेज, मैं शीशे के सामने खड़ा होता हूं तो मेरे को फक्र महसूस होना चाहिए और अपने आप को देखने की हिम्मत होनी चाहिए। उस दिन मैं सबसे शर्मिंदा हूँ, मेरे को कुछ नहीं लगता ऐसा। सोमी और मेरे बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत पाक दोस्ती है, बहुत पवित्र रिश्ता है मेरा सारी उम्र। उसको भी सुरभि की तरह, अगर मैं सुरभि के लिए खड़ा हूँ, अगर वो भी कहेगी जब चाहे उसके मन में जो मर्जी बात, जहाँ किसी भी मोड़ पर किसी भी एंगल पर अगर वो मेरे से बात करेगी, किसी भी चीज के लिए बुलाएगी, मैं सबसे पहले खड़ा हूँ, क्योंकि उसने दुख सुख हर जगह मेरा साथ दिया। आपकी वाइफ ये बात नहीं समझ पाई, ये इक्वेशन नहीं समझ पाई और बार बार अंदर आकर ये स्ट्रेस लेती, पहले ही है ना। मैं बताता हूँ मैडम जी, क्या लोग बातें करते हैं, अब सिंपल सी बात है, क्योंकि हम यहाँ पे नहीं, वाइफ नहीं पर बाहर के लोग, हर परिवार वाला हर किसी को समझता है, आपके परिवार वाले को भी शायद कुछ चीजें बुरी लगे, सिंपल सा फैक्ट है। अगर उनको कोई बाहर की बात से ऐसा लगा, क्योंकि 40 मिनट का एक शो आता है, 24 घंटे हम साथ में रहते हैं, अगर 24 घंटे में मैं गारंटी देता हूँ 20 घर वालों में से अगर कोई एक दो को, अगर जिनका दिमाग फिर गया गुस्से में, कोई अलग अलग बात बोलती, बाकी मेरे को लगता है क्योंकि सब लोग एक साथ रहते थे, कोई ऐसी चीज बोल सकता है। और मैं हमेशा कहता रहूंगा, सोमी सुरभि दीपक सबा मी हैप्पी क्लब, हम सब एक दूसरे के लिए हैं और हम सब बहुत अच्छे हैं।